के चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी तहसील के खेड़ मक्ता गांव में रहने वाले गजानन मानकर इनके घर में शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदने का काम शुरू था। करीब 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया तो काला पत्थर नुमा कोई चीज नजर आई। जब पत्थर को बाहर निकाला गया तो सभी हैरान रह गए। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। मूर्ति मिलने की जानकारी गांव में फैलते ही ग्रामीण मूर्ति को देखने दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने मूर्ति का दुग्ध अभिषेक कर मूर्ति की पूजा की। इतिहास के जानकार अशोक सिंह ठाकुर ने बताया कि यह मूर्ति 12वीं शताब्दी की है और चालुक्य काल की है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की मूर्ति मिलने का यह पहला उदाहरण है। ये मूर्ति दक्षिणी शैली की है। मूर्ति काले पत्थर पर उकेरी गई है। श्री कृष्ण के सिर पर करंडक मुकुट धारण किया है और हाथ में बांसुरी है। मंदिर के दोनों ओर दक्षिण नाट्य शैली में नक्काशी की गई है। ऐसी संभावना है कि किसी ने ये मूर्ति दक्षिण से बनवाकर चंद्रपुर जिले में लाई हो और किसी कारण से जमीन में दफना दी हो। खुदाई के दौरान मूर्ति के अलावा वहां मंदिर होने के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, इसलिए चालुक्य काल में इस क्षेत्र में श्री कृष्ण का मंदिर रहा हो ऐसी संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। यदि इस क्षेत्र में और शोध किया जाए तो इतिहास पर प्रकाश डाला जा सकता है। चंद्रपुर जिले को ऐतिहासिक धरोहरों का वरदान प्राप्त है। चंद्रपुर में पाषाण युग के कई अवशेष पाए जाते हैं। जिले में मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, राष्ट्रकूट, चालुक्य, नागा, परमा, गोंड, भोसले शासन करते थे। जिले में कई खूबसूरत इमारतें आज भी इतिहास की गवाही दे रही है। अब चंद्रपुर के इतिहास में एक नया इतिहास जुड़ गया है। जिले में पहली बार श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है। मिली मूर्ति चालुक्य काल की है और 12वीं शताब्दी की है। मूर्ति मिलने के बाद गांव में खुशी का माहौल है। चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका के अंतर्गत आने वाला खेड़मत्ता गांव में शौचालय के निर्माण कार्य करते समय वहां पर एक काले पाषाण में एक जो मूर्ति मिली है वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि वो उसमें साउथ का टच उस मूर्ति में बहुत ज़्यादा है और उन्होंने करंडक मुकुट धारण किया है और मूर्ति के ठीक बगल में एक बहुत ही सुंदर दक्षिण के मंदिर का एक शिल्प उकेरा गया है। तो ये जो मूर्ति है ये लगभग चालुक्य पीरियड की ही इसे माना जाना चाहिए और ये हो सकता है कि ये मूर्ति साउथ में से बनवा के चंद्रपुर ज़िले में खास पूजा पाठ के लिए उस दौरान किसी व्यक्ति ने लाया हो और बाद में ये मूर्ति खोद काम में ही मिली है। इसका मतलब वो मूर्ति को किसी ने वहाँ गाड़ दिया होगा, ये काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन एक बहुत सुंदर ये श्री कृष्ण की मूर्ति जो प्राप्त हुई है, इस टाइप की मूर्ति चंद्रपुर में अभी तक देखी नहीं गई है और ख़ासकर कृष्ण का जो शिल्प है वो साउथ में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ चंद्रपुर में जितने भी परमारकालीन मंदिर है उसमें श्री कृष्ण का शिल्प नहीं दिखता है। तो ये मूर्ति एक प्रकार से पहली मूर्ति होगी चंद्रपुर जिले में श्री कृष्ण की साउथ वाली मूर्ति काले पाषाण में। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी मूर्ति है। चंद्रपुर से BCN न्यूज के लिए सुनील ताइडे की स्पेशल रिपोर्ट।